हेलो फ्रेंड्स, ये दुनिया काफी आश्चर्यजनक चीजों से भरी पड़ी है। और क्या आपको पता है दुनिया के एक ऐसे नेशनल पार्क के बारे में जो कि तैरता है? और क्या आप ये जानते हैं दुनिया में एक ऐसा जगह मौजूद है जहां पर आसमान में रंग बिरंगे लाइट्स अपने आप जल उठते हैं? तो दोस्तों, अगर मेरी तरह आप भी इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे ही दुनिया के अजीबोगरीब बातों को जानने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज हम जो बात आपको बताने वाले हैं उसे जानकर आप भी कहेंगे वाह क्या सीन है। पर दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर ले। फैक्ट नंबर 10, म्यांमार गोल्डन बोल्डर। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब कोई प्लेन से छलांग लगाता है तो वो नीचे ही क्यों गिरता है, तो आपका जवाब होगा ग्रेविटी की वजह से। पर क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा पत्थर है जिस पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता? जी हाँ दोस्तों, यह मौजूद है म्यांमार के कयाटो पैगोडा में। यह पत्थर एक पहाड़ के किनारे स्थित है। गोल आकार होने के कारण ऐसा लगता है कि यह कभी भी नीचे लुढ़क जाएगा, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि यह कभी नीचे नहीं गिरता। और शायद यही कारण है कि यहाँ के लोग इस पत्थर की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि यह पत्थर भगवान बुद्ध के एक बाल के कारण ग्रेविटी को धोखा दे रही है। पूरी दुनिया से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहाँ आते हैं और उनका मानना है कि यहाँ मांगने वाले हर मन्नत पूरी होती है। तो दोस्तों, इस पत्थर को देखकर आप क्या मन्नत मांगने वाले हैं हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9, सलार दे यूनी। सलार दे यूनी एक बहुत ही बड़ी नमक की परत है जहां जाकर ऐसा लगता है मानो आप पृथ्वी में नहीं बल्कि चांद में आ गए हैं। ये साउथ अमेरिका के वॉल्विया में मौजूद बहुत ही शानदार और रहस्यमय है, जो कि 10,840 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे बड़े नमक के मैदानों में से एक माना जाता है। लेकिन आपके दिमाग में यह बात जरूर चल रही होगी कि आखिर इतनी बड़ी नमक की परत आई कहां से? दरअसल यह एक प्री हिस्टोरिक झील के इवापोरेट होने के कारण बनी है। और कमाल की बात तो यह है कि जब कभी भी इसके अगल बगल मौजूद झीलों में बारिश के कारण पानी ओवरफ्लो होकर इस झील पर आता है तो नमक के कारण लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे ऐसा लगता है कि आसमान जमीन पे आ गया हो। और इसीलिए इसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिरर भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप भी वर्ल्ड के लार्जेस्ट मिरर में अपना चेहरा देखना चाहोगे? हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। नंबर 8, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। दोस्तों, आपको बता दें कि यह कोई अजूबा नहीं, बल्कि यह इंसानों की उन हजारों गलतियों में से एक है जो हम हर रोज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह पैच कोई सुंदर जगह नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक कूड़े के ढेर है जो बना है प्लास्टिक के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम अपने इस्तेमाल किए हुए प्लास्टिक और अन्य कूड़े किसी भी नदी नालों में फेंकते हैं तो वो डिकम्पोज होने की बजाय बहते हुए समंदर में पहुंच जाता है और हमें मिलता है ऐसे गंदे और भयानक कूड़े के ढेर। वैसे ऐसा नहीं है कि ऐसे गार्बेज के पैचेस सिर्फ पैसिफिक में ही हैं। दुनिया के अलग अलग महासागरों में ऐसे कई पैचेस हैं जिनमें यह सबसे बड़ा है। और आपको बता दें कि इसकी लंबाई को अगर हम देखें तो वो फ्रांस से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं ना, प्लास्टिक का यूज कम करो। फैक्ट नंबर 7, हेस्डेलन वैली लाइट्स। दोस्तों, क्या हो अगर रात में भी दिन की तरह आसमान में रोशनी जगमगाता रहे? अरे नहीं 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 नहीं, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा सच में हुआ है नॉर्वे के एक शहर में, जहां लोगों ने ऐसी ही लाइट्स को आसमान में जलते हुए देखा। पहली बार में तो लोग इस घटना को एलियन से जोड़ने लगे। हालांकि जब वैज्ञानिकों ने इस बारे में रिसर्च किया तो पता चला ये तो हेस्डेलन फेनोमेनन है, जो कि पृथ्वी पर होने वाली एक बहुत ही सामान्य सी घटना है। हालांकि इन लाइटों को देख को लेकर साल 2000 से शोध जारी है और वैज्ञानिकों के पास भी इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। इसीलिए लोग इसे एलियन एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखते हैं, क्योंकि कभी कभी तो इन किरणों का आकार एक बस से भी बड़ा हो जाता है। फैक्ट नंबर 6, रेड बीच इन पंजीन। दोस्तों, आप सभी अपनी जिंदगी में बीच कभी ना कभी गए ही होंगे और हम सबको बीच में जाना कितना पसंद भी है। मगर क्या हो जब पूरी की पूरी बीच ही लाल रंग की हो? और क्या तब भी आप वहाँ जाना चाहोगे? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यहाँ लाल रंग की बीच मौजूद है। दरअसल चीन के पंजिम के स्वांगटाई ची नदी के किनारे ये झील मौजूद है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये बीच लाल रंग की कैसे है। दरअसल नदी के लाइन कंटेंट और असामान्य अल्कलाइन लेवल के मिल जाने की वजह से यहाँ पे मौजूद सभी पेड़ों की ग्रोथ नहीं हो पाई और ये इस तरह के लाल रंग में तब्दील हो गए, जो कि देखने में बहुत ही डिफरेंट लगते हैं। और इसे देखकर आप भी खुद को ये कहने से रोक नहीं पाएंगे।
फैक्ट नंबर 5, द येलो स्टोन सुपर वॉल्केनो। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि येलो स्टोन नेशनल पार्क एक पूरा का पूरा वॉल्केनोज का पार्क है, जो कि वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के वॉमिंग, मोन्टाना और इदाओ नामक हिस्सों में मौजूद है। यह पार्क दुनिया का पहला पार्क है जिसे 1 मार्च 1872 में स्थापित किया गया था। यह पार्क अपने जियोथर्मल फीचर्स के लिए जाना जाता है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पार्क है जहां पर पीले रंग के पत्थर पाए जाते हैं जो कि पिघलते लावा से बनी है। हालांकि ये बात भी सच है कि यहां पे दुनिया की सबसे अजीब संरचनाएं भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पे येलो स्टोन वॉल्केनो मौजूद है जो कि हम सब के लिए खतरा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे भला हमें क्या खतरा है। दरअसल वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस वॉल्केनो के इरप्शन से दुनिया की 2/3 आबादी खत्म हो जाएगी। खैर ये बताना मुश्किल है कि ये कब फटेगा, पर फिलहाल तो ये दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। दोस्तों क्या आप भी इस जगह को घूमना चाहोगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, हैंग सन डोंग। दोस्तों दरअसल सोन डंग एक गुफा का नाम है जो वियतनाम के क्वांग बिन प्रांत में मौजूद है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गुफा है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने 2019 में शोध किया तो यह पाया कि यह गुफा पास के ही एक और हैंग थैंग नामक गुफा से जुड़ी हुई है। यह गुफा चूना पत्थर से बनी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह गुफा 20 से 25 लाख साल पुराना है और इसकी खोज एक स्थायी व्यक्ति द्वारा साल 1991 में की गई थी। इस गुफा में दुनिया के कुछ सबसे बड़े स्टैलेक्माइट पाए गए हैं जो कि 70 मीटर तक लंबे हैं। आज के समय में ये दुनिया भर के पर्यटन के लिए एक मुख्य केंद्र बना हुआ है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता तो देखते ही बनती है। फैक्ट नंबर 3, इंडियाज रूट ब्रिजेस। दोस्तों अगर हम हैरान कर देने वाले जगहों के बारे में बात करें तो हमारा भारत इसमें पीछे कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने कंक्रीट के बने पुलों के बारे में तो काफी सुना होगा, मगर क्या आपने कभी ट्रीज के रूट्स के बनी पुलों के बारे में सुना है? अगर नहीं तो ये आपको भी हैरान कर देगा और ये मानने पे मजबूर कर देगा कि ये दुनिया बहुत ही बड़ी है। दोस्तों भारत के चेरापूंजी में कुछ रबर ट्री ऐसे हैं जो अपने आप ही पुल का निर्माण करते हैं। शायद आपको ये पता हो कि भारत में पाई जाने वाले रबर के पेड़ों की जड़ें बाहर निकल आती हैं, जो कि पत्थरों तक में चढ़ जाती हैं और पुल का निर्माण कर देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पुलों को बनाने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, जो कि इतने मजबूत होते हैं कि इसमें 50 लोग आराम से गुजर सकते हैं। और ये पुल ज्यादातर मेघालय में ही पाए जाते हैं जिसका वातावरण नमी वाला है, इसी वजह से वहाँ पर नदियों के पास ऐसे रूट ब्रिजेस अक्सर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों भारत के इस पुल के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 2, स्टोन फॉरेस्ट ऑफ सिलीन। आपने पेड़ों के जंगल तो बहुत देखे होंगे, पर क्या आपने सुना है पत्थरों के जंगल के बारे में? अगर नहीं तो आपको बता दें कि यह मौजूद है चीन के सिलीन में। दोस्तों शायद ही आपको पता हो कि यह जंगल आज से लगभग 27 करोड़ साल पुराना है, जो कि 300 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह आखिर बना कैसे है, तो आपको बता दें कि यह एक सिस्मिक एक्टिविटी का नतीजा है जिसमें पानी और हवा के इरोजन में लाइमस्टोन को कुछ इस तरह काट दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ऐसे कई पत्थरों के टावर हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय टावर की बात करें तो ये आसिमा स्टोन है, जो सोनी नाम की एक लड़की की वजह से है, जो इन जंगलों में पत्थर की बन गई थी क्योंकि उसके लवर ने उसे शादी से मना कर दिया था। दोस्तों क्या आपके भी लवर ने आपको शादी से इनकार किया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 1, फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ लोकताक लेक। यह लेक भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की लेक है, जो कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर दीमापुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। यह झील अपने ऊपर तैरते हुए मिट्टी और वनस्पतियों के लिए दुनिया भर में फेमस है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तैरते हुए लेक में एक नेशनल पार्क भी है, जो कि दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसे सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। क्या आपको पता है कि यह झील मणिपुर के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इसके वजह से ही मणिपुर की आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व बना हुआ है। आज के समय में यह पूरी दुनिया के लोगों के लिए मनपसंद टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है इस तैरते हुए पार्क के बारे में, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो यह थी हमारी एक और वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।